सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपना एसी फंडामेंटल्स में एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फेजर्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो फेजर्स होते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकली किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो दो मेन फॉर्म हमारे आए थे वो दो कौन कौन से थे, एक था रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा था पोलर फॉर्म। तो हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि यदि हम आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई भी फेजर की वैल्यू दी हुई है तो हम उसको पोलर में कैसे चेंज करें, या फिर हमको पोलर में वैल्यू दी हुई है तो हम उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम लोग इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर। सपोज़ हम लोग पहले करते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर में, मतलब हमको गिवन क्या है, हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है। मान लो कि एक हमारे पास वेक्टर है या एक हमारा फेजर है जिसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमको ए प्लस जे बी दिया हुआ है। ए प्लस जे बी जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है मतलब वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो ए उसका रियल या एक्टिव कंपोनेंट है और बी उसका रिएक्टिव या इमेजिनरी कंपोनेंट है। जे जो होता है अपन जानते हैं, जे हमने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है, ठीक है। मान लो हमको ए और बी की वैल्यू दी हुई है, हम निकालना चाहते हैं उसका पोलर फॉर्म में, मतलब हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए ये हमारा उसका हमने बनाया है, ए उसका रियल पार्ट है और बी उसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो है वो एक्चुअल फेजर है, इसका हमको ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अपने को इस राइट एंगल ट्रायंगल से दिख ही रहा है कि यदि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमको उसका जो मैग्नीट्यूड मिलता है आर इज इक्वल टू, वो इसमें से डायरेक्टली दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये लाइन भी बी होगी, ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अपन लोग निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड। अब इसी में अपन लोग को दिख रहा है कि हम एंगल कैसे निकालेंगे। तो यदि मैं टेन फाई निकालूं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी अपॉन ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसके हिसाब से आ जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ये गिवन क्वांटिटी थी, हमने इस गिवन क्वांटिटी से आर कैलकुलेट कर लिया और फाई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मैं इस रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ऐसे करके हम लोग इस रेक्टेंगुलर को इस पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लो हमको उल्टा काम करना है, मान लो हमको दिया हुआ है पोलर फॉर्म दिया हुआ है, हम उसको रेक्टेंगुलर में करना चाहते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या है, सपोज एक हमारे पास वेक्टर या फेजर है वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी और उसका एंगल है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। मान लो ये दोनों वैल्यू हमको दी हुई हैं और हम निकालना चाहते हैं उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब हम उसका एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, मतलब रियल और इमेजनरी कंपोनेंट अपन निकालना चाहते हैं। तो मान लो कि ये वो है हमारा वी, इसका मैग्नीट्यूड है वी और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अपने रेफरेंस एक्सिस से थीटा। हम निकालना चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी। तो चलिए अपन लोग निकालते हैं, यदि हमको ये दोनों गिवन है और मैं निकालना चाह रहा हूँ ए इज इक्वल टू क्या होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो ए देखो अपने को इस राइट एंगल ट्रायंगल से अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ए जो है वो बेस है, ये उसका हाइपोटेनियस है और ये उसका एंगल है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई और बी क्या आ जाएगा, वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन फाई। तो यदि हमको पता है कि वी का मैग्नीट्यूड कितना है तो अपन वी मैग्नीट्यूड कॉस फाई करेंगे, कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ पर अपन लोगों ने थीटा लिया था। तो यदि हम वी कॉस थीटा निकालेंगे तो हमको उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा, यदि हम वी साइन थीटा निकालेंगे तो हमको उसका वर्टिकल या इमेजिनरी कंपोनेंट मिल जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यदि ये मेरा फेजर वी था जिसका मैग्नीट्यूड और एंगल मुझे पता था, यदि मैं इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने और जो एंगल मुझे पहले से पता था उसका कॉस निकाला प्लस जे साइन निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर से पोलर, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। और यदि पोलर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर निकालना है तो अपन इस तरीके से पोलर से रेक्टेंगुलर फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आई होप आप लोगों से एक बन जाएगा आगे, ठीक है, थैंक यू।